द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया एक पुरानी भर्ती है जिसका नाम है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। आप सभी लोगों को पता है कि इसकी जो कॉपियां हैं वो दोबारा से चेक हो रही हैं। आपका जो रिज़ल्ट है जो 90 नंबर पर और 97 नंबर पर कितने लोग पास हुए हैं ये रिज़ल्ट आ चुका है और आप सभी लोग जो है मेरिट का इंतजार कर रहे थे किसका सिलेक्शन हुआ किसको सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसको सरकारी जॉब मिली है किसको सरकारी जॉब नहीं मिली है। लेकिन कॉपियों में धांधली कारण गड़बड़ी होने के कारण इसका जो रिजल्ट है वो दोबारा से बनाया जाएगा। यानी पहले आपकी कॉपियां चेक होगी फिर आपका इस 90 और 97 नंबर पर रिजल्ट आएगा। 90 नंबर आरक्षित वर्ग के लिए होता है, 97 नंबर अनारक्षित वर्ग के लिए होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल 150 नंबरों में पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग में 97 और आरक्षित वर्ग में 90 नंबर लाना आवश्यक होता है। और इसके बाद ये रिजल्ट आने के बाद फिर बाद में आपकी मेरिट बनती है। तो ये रिजल्ट कॉपियों में गड़बड़ी कारण दोबारा डिक्लेयर होगा, घोषित किया जाएगा। और ये कब आएगा, ये आपके 10 जुलाई के बाद आएगा। तो 10 जुलाई की तारीख तो बीत चुकी है लेकिन अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है। तो उम्मीद है 20-25 जुलाई तक ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना भैया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो परीक्षा हुई थी उसका जो परीक्षा परिणाम आया था वो पिछले साल नवंबर के महीने में आया था। 15 नवंबर को इसका परिणाम आया था कि 90 और 97 नंबर पर कितने लोग पास थे। और सभी लोग फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे थे लेकिन फिर बीच में पता चला कि बहुत सारी शिकायतें हुई, परीक्षा में धांधली हुई, कॉपियां आपकी दोबारा चेक की जाएं। तो चेक करने के बाद इसके जो रिजल्ट आने की संभावना है वो 10 जुलाई के बाद रिजल्ट आने की संभावना है। तो 10 जुलाई बीत गई है यानी कि आपका 15-20 या 25 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट का मतलब है कि 90 और 97 नंबर पर कितने लोग पास हैं सिर्फ यही बताया जाएगा। क्योंकि कॉपियों में गड़बड़ी कारण बहुत से लोग अब फेल हो जाएंगे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कॉपियाँ गलत तरीके से चेक की गई थी तो वो इस जो बॉर्डर लाइन है इसे पार कर जाएंगे यानी कि पास हो जाएंगे। मेरिट तो बाद में बनेगी, ठीक ना भैया। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते होंगे कि टोटल प्रधानाध्यापक के हमारे पास 390 पद थे और सहायक अध्यापक के 1504 पद थे और इन पदों के लिए आपकी भर्ती हुई थी। और हमारे जो सचिव साहब हैं इनकी देखरेख में इतनी गड़बड़ी होती रहती है, धांधली होती रहती है। इनका नाम है अनिल भूषण द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि शासन से अनुमति मिलने के बाद जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बस क्या क्या किया जा सकता है, हम लोग अपने रिजल्ट का इंतजार ही कर सकते हैं। चूंकि आप सभी लोगों को पता है कॉपियों से आप सभी लोग मिला चुके होंगे, अगर आपका 90 के ऊपर है आरक्षित वर्ग में तो आप क्वालिफाई हैं, अगर आपका अनारक्षित वर्ग में 97 के ऊपर है तो भी आप क्वालिफाई हैं। तो इस रिजल्ट के आने से ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो भी उन्हें पता है कि हम क्वालिफाई हैं। हमें तो इंतजार है फाइनल मेरिट का कि भैया हमें सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। आपका इसमें क्या राय है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।